नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। कई लोगों के मन में ये सवाल है जो न्यूज वेबसाइट रन कर रहे हैं या अपने न्यूज चैनल भी रन कर रहे हैं, मतलब न्यूज चैनल मीन्स अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल को रन कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमने जो नाम अपना पोर्टल का रखा हुआ है या अपने चैनल का रखा हुआ है वो नाम कहीं चोरी ना हो जाए, कोई दूसरा इसे यूज ना कर ले, तो कैसे हम इसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आज ये टॉपिक इसी पर होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर आप अपना न्यूज वेबसाइट चला रहे हैं, क्या होता है कोई भी न्यूज वेबसाइट या चैनल की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो ये तय करता है कि उसका जो न्यूज का नाम हो वो काफी यूनिक हो और इस नाम से कोई और काम नहीं कर रहा हो। तो इसी तरीके से वो सर्चिंग करने के बाद अपना एक यूनिक नेम डिसाइड करते हैं और उस नाम के जरिए अपना काम पत्रकारिता का करना शुरू करते हैं। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एक काफी अट्रैक्शन वाला नेम होता है तो कई लोग उसे यूज कर लेते हैं, कई दूसरे बड़े नेटवर्क या दूसरे क्षेत्र के लोग उसे यूज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि ये नया चैनल है या नया पोर्टल है और इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोसेस तो करवाई नहीं होगी, और अगर वो यूज भी कर लेता है तो आपके लिए उनसे इस विषय में विवाद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सामने एक बात रखेंगे और वहां पर जाके बात खत्म हो जाएगी कि हम क्यों नहीं यूज कर सकते आपका नाम। आप ये बताइए क्या आपने अपने नाम को रजिस्टर्ड कर रखा है। और यही बात आती है नाम के साथ में जो आपने लोगो डिजाइन करा है। आप जैसे अपना एक यूनिक नाम तैयार करते हैं, अपना एक यूनिक नाम रखते हैं अपने न्यूज का, न्यूज चैनल का, न्यूज पोर्टल का, तो उसका एक यूनिक लोगो भी डिजाइन करते हैं। जैसे आज तक का अलग लोगो है, इंडिया न्यूज का अलग लोगो है, सबके एक यूनिक लोगो है। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपना लोगो डिसाइड करता है वो भी काफी यूनिक और सोच समझ के उसे डिजाइन करवाता है, पर मन में यही डर रहता है कि कोई उस डिजाइन को चोरी ना कर ले, या फिर कई लोग चोरी कर भी लेते हैं तो फिर वो चिंता में आ जाते हैं कि हमारा डिजाइन किसी ने चोरी कर लिया, अब हम क्या करें। उसके लिए आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन की, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की। अब वो कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं जिससे आप अपने YouTube चैनल या पोर्टल के नेम को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और अपने लोगो को, अपना जो न्यूज का आपने लोगो डिजाइन किया उस लोगो को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो वही हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है कॉपीराइट। आप कॉपीराइट हो जाएगा आपका जो न्यूज का नेम है, आप अपने न्यूज का नेम आपने सिलेक्ट किया है, तय किया है, या जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे कोई चुरा ना पाए, तो आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। कॉपीराइट कैसे करवाना होगा, तो दोस्तों आप नॉर्मली गूगल पर सर्च करेंगे, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कॉपीराइट आपको प्रोवाइड करवाती है। कॉपीराइट किसी कंपनी के माध्यम से नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की प्रोसीजर है। गवर्नमेंट के थ्रू आपका जो भी आप नेम चाहते हैं, कोई आप लेख चाहते हैं, क्योंकि कई सारे राइटर होते हैं वो अपनी रचनाएं लिखते हैं और वो उसे भी कॉपीराइट करवाते हैं, ताकि वो अगर वो रचना किसी को सुनाए और सुनाने के बाद कोई उसे यूज कर ले तो वो उसपे कॉपीराइट एक्ट के तहत उसपे कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे अपने नाम को, अपनी रचना को, अपने लेख को, तो वो उस डेट पे आपका उसपे कॉपीराइट हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार से आप अपना जो भी आपने यूनिक नेम अपने न्यूज का रखा है आप उसे कॉपीराइट करवा सकते हैं, कॉपीराइट एक्ट के तहत कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे कॉपीराइट, हाउ टू कॉपीराइट या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, तो आपको कई सारे वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हो जाएंगी जो कॉपीराइट करवाती हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट की फीस होती है, तय की हुई है गवर्नमेंट ने फीस, और कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, वो कंपनीज वाले ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि कितने समय में आपको कॉपीराइट हो जाएगा, और कुछ बेसिक फीस कुछ कंपनी वाले अपनी रखते हैं। वही बात आ जाती है अगर आप लोगो को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं अपना न्यूज लोगो, तो लोगो को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है वो होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपने कई सारे ब्रांडेड कंपनी के लोगो देखे होंगे, पर कई लोगों ने ध्यान दिया, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कई सारे लोगों के पीछे एक छोटा सा राउंड बना हुआ रहता है जिसमें टीएम लिखा हुआ रहता है, तो वो टीएम जो लिखा हुआ रहता है वो टीएम का नाम ही रहता है ट्रेडमार्क, और जब वो ट्रेडमार्क अंडर प्रोसेस है तो वहां टीएम लिखा हुआ आता है, और जब वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहां आर लिखा हुआ आता है, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोस्तों आप खुद भी अपने लोगों का ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है। आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कीजिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप सर्च करने के बाद में कई सारी कंपनीज की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी गूगल पे, आप सभी से अलग अलग कंपनीज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको फीस उचित लगती है,
जहां आपको सही लगता है कि यहां से हमें करवा लेना चाहिए, जहां से आप कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। आप ये भी करें कि हो सकता है आप अपने क्षेत्र में भी तलाश कर सकते हैं, जैसे आप गूगल पर सर्च करें, जैसे हम उज्जैन सिटी से हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन उज्जैन, तो आपको वहां की लिस्ट मिल जाएगी, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। आपका अगर उनका ऑफिस है तो आप ऑफिस में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो आपको बता देंगे। पर वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको ये पता चले कि आप कैसे अपने न्यूज के नेम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, प्रोसेस क्या होगी, और आपके लोगों का रजिस्ट्रेशन कहाँ करवा सकते हैं। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दूंगा कि जो आपका नेम है वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में आएगा और आपका जो लोगो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आएगा। आप ये रजिस्ट्रेशन करवा के अपने न्यूज के नेम को और अपने लोगों को दोनों सुरक्षित कर सकते हैं, और भविष्य में अगर प्रक्रिया आपकी पूर्ण कर लेने के बाद में जब कोई अगर आपके नेम का और लोगों का उपयोग करता है तो आप उसको नोटिस दे सकते हैं, वकील के थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं और उसे ये चीज बता सकते हैं कि भैया इसका हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास प्रॉपर इसके सर्टिफिकेट है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके पास में इसका लीगल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इस लोगों पर और इस नेम पर आपका अधिकार है, तो आप सामने वाले पे कार्रवाई कर सकते हैं कानूनन, और उसका कई सारा सामने वाला जिसने उसे कॉपी किया है उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और सजा भी हो सकती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त भी और कोई आपको जानकारी चाहिए डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई, न्यू मीडिया से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपना सवाल लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। साथ ही अगर आप न्यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। हम आपको बेहतरीन सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट के साथ में एक बेहतरीन न्यूज पोर्टल बना के देंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।